ओके सो डूड, तुम लोगों को पता है क्या हुआ? मैं ना अपना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, ठीक है? तो जब मैं अपना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था ना, तो मैं क्या देखता हूँ, एक पोस्ट अपलोड हुआ है। एंड वो किस अकाउंट से हुआ है? रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट से हुआ है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि वो दानिश भाई की पिक होगी जो गुफरान मैन अपलोड की है। नहीं, गुफरान मैन ऐसा नहीं किया, गुफरान मैन ने अपनी पिक अपलोड की है रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट पे। सो मुझे बहुत गुस्सा है, आप लोगों को भी आ रहा रहेगा। तो उसी रात में मैंने एक स्टोरी देखी रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट पे। तो जब मैंने स्टोरी देखी ना, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, गुफरान भाई सही कर रहे हैं एंड हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अभी तुम लोग बोल रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो तुम लोग वीडियो देखो, आगे तुम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी हैश एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि अच्छे हो गए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है डूड। जब से दानिश भाई गए ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब सामने आ रही है एक के बाद एक, एंड सबके असली चेहरे बाहर आ रहे हैं, ठीक है? सो अभी जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा, रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट के बारे में कुछ चल रहा है अभी। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि लिटिल दानिश ज़ेहन, अर्शिफा खान, जो दानिश ज़ेहन के जस्टिस वाला पेज है, एंड गुफरान भाई एंड रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट पे, मतलब क्या चल रहा है यार? वो बंदा है नहीं अभी हमारे पास, तो तुम लोग इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? कंट्रोवर्सी डूड। एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो अभी जुमा 8 दिन वाले लोग आके उन लोग एक्सपोज कर रहे हैं दानिश ज़ेहन के भाई को, गुफरान भाई को, और उन्हें उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हैं वीडियो में। सो डूड, तुम लोग को बता दो, तुम लोग बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। गुफरान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे लास्ट तक देखते रहो। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे भी एंड जितनी फैम्ब्रू आर्मी है सबसे। तो जितनी फैम्ब्रू आर्मी देख रही है एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फैम्ब्रू आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें जानना है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, सो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो ओके, सो सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो चल रही है अभी, वो चल रही है कि गुफरान मैंने अपनी पिक अपलोड क्यों की है रियल दानिश ज़ेहन वाले अकाउंट पे। सो डूड, मैं तुम लोग को एक बता दूँ कि जब एक राजा होता है ना, राजा, तो राजा जब चले जाता है ना, तो राजा के बाद कौन राज करता है मालूम तुम लोग को? उसका जो भाई होता है ना, वो। तो जो राजा था मतलब दानिश भाई, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ के गए अभी, तो उस पर भी कौन बैठा है पता है आप लोग को? गुफरान भाई। तो गुफरान भाई जो बैठे ना उस पर, तो डूड वो बहुत अच्छी तरीके से, वो जो लेगेसी थी ना दानिश भाई का, जो मतलब था फैम्ब्रू आर्मी, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे डूड। तुम लोगों को बात समझनी चाहिए, मतलब कौन करता अपने भाई के लिए इतना कुछ भी। बोलने से पहले मैं आप लोगों को जो रियल दानिश ज़ेहन वाला अकाउंट पर मैंने स्टोरी देखी थी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को आगे की बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी स्टोरी देखी जो रियल दानिश ज़ेहन वाला अकाउंट पे आई है, एंड वो क्वेश्चन आंसर चल रहा था, गुफरान भाई कर रहे थे, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपना सब काम नाम छोड़ के जो फैम्ब्रू आर्मी है उसको आगे लेके चल रहे हो, जो दानिश भाई की लेगेसी है उसको कंटिन्यू कर रहे हो। तो यहीं पर तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि गुफरान भाई जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डूड। एंड एक बड़े भाई होने का लोग वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो एक बड़े भाई को करना चाहिए। एंड आज के ज़माने में कोई कुछ करता नहीं है, एंड वो अपना काम धाम छोड़ के, जो उनकी फैमिली है डूड, वो सब चीज़ छोड़ के मतलब अपने फैम्ब्रू आर्मी को आगे बढ़ाने में लगे हुए, जो लेगेसी दानिश भाई का जो सपना था उसको पूरा करने में लगे हुए, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स जो गंद फैला रहे हैं, मतलब एक्सपोज 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 कर रहे हैं, कुछ कंटेंट नहीं लगा, सिर्फ एक्सपोज गेम खेल रहे बस, और गुफरान भाई को नीचे गिरा रहे हैं। एंड बता दूं कि जो गुफरान भाई के दोस्त थे, मतलब दानिश भाई के दोस्त थे, जो गुफरान भाई के भी थे साथ में, तो जो गुफरान भाई के साथ में थे ना, तो उन लोग भी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, मतलब जो फेम के लिए कर रहा है ये सब गुफरान भाई, एंड ये सब कर रहा है जो व्लॉग बना रहे गुफरान भाई, ये सब फेम के लिए, एंड जो दानिश भाई का फेम था वो लेना चाहते। सो डूड, ऐसा नहीं है, एक राजा था वो अपनी कुर्सी छोड़ के गए, तो उस पर भी गुफरान भाई मतलब बैठे हुए, एंड जो लेगेसी थी दानिश भाई की वो आगे लेके चल रहे हैं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं। उन्होंने मर्च बनाया, मर्च कौन बनाता है डूड, जो उन्होंने इतनी मेहनत से अपना मर्च बनाया, एंड वो सबसे पहली बात बता दूँ कि वो अकेला हैंडल कर रहे हैं डूड। एंड तुम लोग ये सब सोच रहे हैं कि मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, एंड मैं क्यों इतना सपोर्ट कर रहा हूँ दानिश भाई के भाई को, गुफरान भाई को, तो मैं बता दूँ कि मतलब मैं भी चाहता हूँ कि हर एक बंदा ऐसा काम करे यूट्यूब पे, इन्होंने बहुत नाम कमाया था दानिश भाई ने, एंड हम भी ऐसा कुछ करें जितने बाकी के हैं, कि ऐसा कुछ काम करें कि दानिश भाई का नाम बने रहे, कभी मिटे नहीं दानिश भाई, कभी मिटेगा भी नहीं इंशाल्लाह, हमारे दिल में बसे हुए दानिश भाई।
सो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग के जो दानिश भाई के भाई है गुफरान भाई जो कि मर्ज बना है उन्होंने सब अकेला काम कर रहे डूब जो अकाउंट हैंडल कर रहे मतलब पीक अपलोड करते रहते हैं। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो कर रहे हो ना गुफरान भाई वो आप करते रहो। मैंने जी कौन सी जगह पे लिखा है कि गुफरान भाई व्लॉग नहीं बना सकते एंड एने ऐसा कहाँ पे लिखा है कि गुफरान भाई मतलब पिक अपलोड नहीं कर सकते तो कर सकते हैं डूड। एंड जो दानिश भाई के भाई है उनका हक बनता है पूरा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग उनको ऐसे डिग्रेड मत करो, आप उनके लेवल पे नहीं आते हो, मतलब वो दानिश भाई के भाई है ठीक है, तो उनके साथ आप ऐसे बदतमीजी मत करो, यूट्यूब वीडियो बना के कुछ भी उल्टा चीरा एक्सपोज मत करो। वो जो भी कर रहे हमारे लिए कर रहे डूड, वो अपना सब काम धाम छोड़ के उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो चले जा सकते हैं अपना बाहर काम करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए रुके हुए इंडिया में एंड वो हमारे लिए सब लगे हुए मेहनत कर रहे ताकि दानिश भाई का जो सपना था वो पूरा हो एंड हम भी दानिश भाई को याद करते रहे एंड जो दानिश भाई का नाम है वो भी अभी भी आगे चलता रहे। एंड जो अर्शिफा खान है उनको भी मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको जो अभी फेम मिला है ना वो एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ, अभी बुरा लगे अच्छा लगे जो भी अर्शिफा खान को पसंद करते ना पसंद करते मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जो सच्चाई है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा जो अर्शिफा खान है ना उनका जो फेम है ना अभी वो किसकी वजह से आया है, दानिश भाई की वजह से आपको मिला है एंड उनके भाई को ही आप ऐसा गिरा रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दानिश भाई ने गुफरान भाई ने भी बोला है कि अभी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो तो उन्हें अपना काम करने दो ना डूड, हम लोग को क्या इतना करना है, वो फेम के लिए कर रहे हैं तो फेम मिला उनको दानिश भाई, मैं जैसे कि बोला कि राजा सब चला आता है तो उनकी कुर्सी पे अभी गुफरान भाई बैठे तो अभी गुफरान भाई उसकी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। तो तुम लोग ऐसा मत करो, वो बस जो दानिश भाई का सपना था उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड जो रियल दानिश ज़ेहन वाला अकाउंट है तो उस पर भी दानिश भाई की पिक अपलोड होती रहती है एंड गुफरान भाई ने एक दो पिक अपलोड कर दी तो क्या हो गया। एंड जो दानिश ज़ेहन का यूट्यूब चैनल है उस पर भी गुफरान भाई व्लॉग्स अपलोड करते हैं तो व्लॉग्स वो हमारे लिए अपलोड कर रहे हैं डूड, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब जो दानिश भाई था उनके भाई है जो सब काम कर रहा है, अगर सोचो कि जो गुफरान भाई है वो मर्च नहीं निकालते ना व्लॉग अपलोड करते ना कुछ करते, वो अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहता डूड, वो अभी समझे ना तुम वो इतना कर रहे क्यों कर रहे हमारे लिए कर रहे, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जो अर्शिफा खान है उनका मैं बोलना चाहूँगा क्या आप ऐसी प्लीज़ इनकी मैंने एक स्टोरी देखा था, मैं अर्शिफा खान को क्यों बोल रहा आप लोग सोच रहे हो, तो मैं बता दूँ उनकी मैंने एक स्टोरी देखा था तो उस पर एक स्टोरी उन्होंने शेयर की थी यूट्यूब वीडियो शेयर किए थे कि गुफरान ज़ेहन एक्सपोज्ड गुफरान भाई एक्सपोज्ड, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब जुमा जुमा 8 दिन हुआ है कुछ यूट्यूबर्स को आके एंड वो एक्सपोज कर रहे हैं गुफरान भाई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं वीडियो में, तो क्यों बोल रहे हो, वो दानिश भाई के भाई है एंड तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वो जो भी कर रहे हैं हमारे लिए करनी चाहिए एंड उनके वर्क को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए डूड। वो अभी कोई भी नहीं है, सब अपना मतलब देख रहे, अपनी यूट्यूब वीडियो बना रहे, अपना कंटेंट बना के अपना नाम बना रहे ठीक है, अभी दानिश भाई के जो भाई है गुफरान भाई वो दानिश भाई का नाम बना रहे आगे चल के ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं वो दानिश भाई का नाम बन रहा है अभी और के जो लेगेसी थी वो आगे लेके चल रहे जैसे कि मैंने बोला। एंड अर्शिफा खान को मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो तुम्हें फेम मिला है ना वो दानिश भाई के ऐसे ही मिला है एंड तुम ऐसी चीज़ें प्रमोट मत करो जिससे गुफरान भाई को हर्ट हो एंड उनकी फैमिली को हर्ट हो ठीक है। एंड जितने भी जो यूट्यूबर जो एक्सपोज कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं ना गुफरान भाई के ऊपर तो नहीं करनी चाहिए उनको एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए गुफरान भाई को एंड जो लेगेसी आगे लेके जाएंगे, देखो पसीना कितना आ रहा है, मेहनत लगती है डूड वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, जो गुफरान भाई भी वो मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग मैंने उनके देखे। एंड अभी आते हैं बात ब्लॉग करने की, तो जो गुफरान भाई है ब्लॉग कर रहे हैं मैंने सुना बहुत से लोगों को, तो ब्लॉग क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीज़न है, तो तुम लोग है ना उन्हें माँ बहन की मतलब गालियाँ दोगे ऐसा कुछ करोगे तो देखो भाई कोई गाली सुनने के लिए किसकी बैठा नहीं रहता है, मेरे भी कमेंट में कोई भी उल्टी सीधी बात करता है तो मैं इसीलिए उसे ब्लॉक कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ उसका अकाउंट जो है मेरे चैनल से। तो देखो हम तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, हम अपना कंटेंट बनाने के लिए बैठे हुए ठीक है, तो तुम ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो हम सीधा ब्लॉक कर देंगे क्योंकि हमें गंत चाहिए ही नहीं, जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट करे, नहीं कर रहा है वो नहीं करे। जो दानिश भाई का फेम था वही है एंड जो गुफरान भाई उन्हें फेम कहाँ से मिलेगा डूड,
दानिश भाई का था, हम दानिश भाई के लिए फॉलो कर रहे हैं रियल दानिश जैन वाला अकाउंट को। तो जो दानिश भाई के भाई है गुफरान भाई, तो वो जो लेगेसी है वो आगे लेकर चल रहे, तो हमें उनके उन्हें साथ उनका साथ देना चाहिए एंड उनका सपोर्ट करना चाहिए डूड। तो प्लीज़ ऐसा मत करो एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मतलब प्लीज़ हेट ना फैलाओ, वो दानिश भाई का नाम बना रहे आगे, ठीक है। तो जो गुफरान भाई वो गलत नहीं है बिल्कुल भी एंड वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉक करने के पीछे तुम्हारी गलती है, तुम उन्हें ऐसा मतलब अब्यूज़ करोगे कमेंट में नीचे उल्टा सीधा कुछ भी लिखोगे तो जाहिर सी बात है बंदा ब्लॉक ही करेगा। तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे चैनल पे या तुम्हारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आके मैं ऐसा लिखूँ उल्टा सीधा तो तुम्हें चलेगा? नहीं चलेगा ना, तुम सीधा ब्लॉक करोगे मुझे। सो एज इट इज़ जो दानिश भाई के भाई गुफरान भाई वो भी ब्लॉक कर रहे हैं सबको, तो मैं इतना साथ क्यों दे रहा हूँ गुफरान भाई का? तुम लोग अभी ये सोच रहे हो कि मैं इतना सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी दानिश भाई का नाम बनाएगा एंड जो दानिश भाई को सपोर्ट करेगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा, एंड जो दानिश भाई का साथ देगा उसके साथ बुरा होगा तो मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा एंड मेरे जो दानिश भाई है उनका नाम जो आगे बढ़ाएगा मैं उनका साथ दूंगा जब तक मैं हूँ एंड मैं पूरा उनको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। जो लिटिल दानिश जैन है उसके बारे में भी अभी कुछ बातें कर लेता हूँ मैं, जो कॉन्ट्रोवर्सी चालू है। सो अभी लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो मैं नहीं अपलोड करूँगा, सिर्फ यही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मतलब पूरा मैं एक साथ बताना चाह रहा था कि मतलब धीरे धीरे मतलब ज़्यादा एक्सपोज वीडियो या कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो अपने लोगों को नहीं बनाना है, अपने लोगों को मेन कंटेंट बनाना है डूड, ठीक है। सो वही जो लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड दानिश जैन को लेके, तो दानिश जैन को लेके ऐसा कुछ चल रहा है कि वो अपना नाम का चल रहा है लिटिल दानिश जैन, जो मैंने अपनी पहली उन्हें भी बोला था कि वो गलत नहीं, वो भी अपना जो दानिश भाई का नाम है वो बना रहा है एंड रियल दानिश जैन गुफरान भाई ने भी यही बात बोले थे कि लिटिल दानिश जैन गलत नहीं है, वो दानिश भाई के नाम पर आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है ना, दानिश भाई का ही नाम बन रहा है, वो थोड़ी ना कुछ गलत बात कर रहा है अपने दानिश भाई के बारे में या कुछ मतलब अब्यूज़ कर रहा है वीडियो में या कुछ कर रहा है, वो भी मतलब अपना ही नाम बना रहा है ना डूड, दानिश भाई का ही नाम आगे लेके चल रहा है ना वो भी, तो कंटेंट ही बना रहा है ना वो भी, मतलब सेम बनाता हो भले कॉपी करता हो लेकिन कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, वो मेहनत ही कर रहा है एंड वीडियो बनाने मेहनत लगती है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए डूड हमें एंड बस इतना ही बोलूँगा। अभी पता नहीं मैंने क्या बोला, गलत बोला तो माफ़ कर देना एंड जो दानिश भाई के भाई है गुफरान भाई उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड जितने भी देख रहे हैं तो आप लोगों को हर्ट हुआ मेरी बातों से तो सॉरी, बट जो भी मैंने बोला सच बोला एंड प्लीज़ शेयर कर देना जितने फैम्ब्रू आर्मी देख रहे एंड जो फैम्ब्रू आर्मी है प्लीज़ सपोर्ट करो दानिश जैन के भाई को, वो अकेला बंदा सब हैंडल कर रहा है टू, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। एंड लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो थी, इसके बाद कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आएगी, प्लीज़ सॉरी, कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स बताना एंड गलत कमेंट करोगे तो सीधा मैंने बोला एज इट इज ब्लॉक कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा उनका कमेंट। सो वही, सो मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।